हेलो वर्गो, आज हम देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ में यानी अगस्त 2023 में आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या क्या गाइडेंस हैं, हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। सो आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आपकी राशि वगो है यानी कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो नेगेटिव थॉट्स एकदम से अपने मन में एकदम से भूल करके भी ना लाना। यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अच्छी एनर्जी है, बोल्ड एनर्जी है। एंड यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, लाइट एनर्जी है, बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ पर है टेन ऑफ कप्स, वाओ। एंड देख लेते हैं फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइन। किंग ऑफ वांड्स एंड लास्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। आप देख सकते हो टेन ऑफ कप्स के नीचे ही आया है नाइट ऑफ कप्स। एक ब्यूटीफुल मीनिंग यहाँ पर दिख रही है मुझे, यानी ब्यूटीफुल मैसेज है यहाँ पर, मैं बता दूंगी। सो यहाँ पर आप देखो बॉटम ऑफ द डेक में आ गया है थ्री ऑफ वांड्स। आपके लाइफ के कुछ ज़रूरी डिसीशंस, कुछ ज़रूरी एक्शन आप ले नहीं पा रहे हो, कुछ ब्लॉकेजेस आपको फेस हो रहा है, या फिर आपका मन आपका साथ नहीं देना चाहता है। यानी कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ें करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा बोल्ड तरीके से करना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे हो। आपका एनवायरनमेंट यानी आपका सराउंडिंग्स ही कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके रखे हैं कि आप अपना 100% चाहकर भी उस चीज़ में नहीं दे पा रहे हो। तो उस चीज़ के लिए हो सकता है आपको किसी के परमिशन की ज़रूरत हो, हो सकता है किसी का हेल्प की ज़रूरत हो, हो सकता है किसी के आंसर के लिए आप वेट कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर एक वेटिंग एनर्जी दिख रही है जिसके लिए आप यहाँ पर खड़ा तो हुए हो और एक पैर बढ़ाओगे तो एकदम से अपने फील्ड में उतर जाओगे। ओके, सो इसे हम साइड कर देते हैं एंड देख लेते हैं। सो यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं, एंड एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस हैं, एंड अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। ओके, सो देख लेते हैं आपका अगस्त मंथ का स्टार्टिंग कैसा गुजरने वाला है, फर्स्ट कार्ड क्या कहता है। तो यहाँ पर आप देखो एट ऑफ पेंटिकल्स है। देखो अगस्त मंथ के स्टार्टिंग में ही एक फेस चेंज होता हुआ दिख रहा है आपके लाइफ में, यानी एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है आपके लाइफ में। यहाँ पर आपको दिख रही है ये जो मून का फेस चेंज हो रहा है, वैसे ही आपका भी होने वाला है। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रही है आपके मन के फेस चेंज होने वाले हैं, यानी कुछ चीज़ों में इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हो। इमोशनली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, बट इस टाइम पर आप स्ट्रांग होने वाले हो। एंड स्ट्रांग होकर कुछ चीज़ों में आप डिसीजन लेने वाले हो, अपने आई क्यू को इस्तेमाल करने वाले हो। डेफिनेटली ये जो कार्ड है ना, ये आई क्यू को बहुत ज़्यादा तरीके से इंडिकेट करता है। आपके दिमाग से ही कोई एक आइडिया ऐसे निकलेगा जो आपकी कुछ प्रॉब्लम्स को ना एकदम से सॉल्व करने में मदद करेगा। इस टाइम पर कोई आपके हेल्प नहीं करने वाले हैं, आप खुद के हेल्प करने वाले हो। यहाँ पर ये जो कैंडल आपको दिख रही है इनके हाथों में, ये एक होप है, ये एक पॉजिटिविटी है जो आपने क्रिएट कर रखा है अपने लाइफ में। ओके, सो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स का सामना इस टाइम पर आप करने वाले हो एंड उस प्रॉब्लम से आपको विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है, सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है, बहुत बड़ी बात है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो पेज ऑफ कप्स है। देखो इस टाइम पर कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट होने वाला है, यानी आप कह सकते हो कि 7 तारीख के अराउंड में आपका दिल बहुत खुश होने वाला है। वो उसका कारण कुछ भी हो सकता है, आपका जो हार्ट है ना वो हील होने वाला है, किसी भी तरीके से हो सकता है या फिर किसी भी वजह से हो सकता है। पिछले कुछ महीने या फिर पिछले कुछ साल आपके अच्छे नहीं गुजर रहे हैं, मुझे दिख रही है कुछ ना कुछ बड़ा प्रॉब्लम को आपने फेस किया हुआ है, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो लूज़ हो चुका था। तो इस टाइम पर कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट फील करते हुए दिख रहे हो मुझे। हो सकता है इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में कुछ सुधार आ जाए, या फिर हो सकता है आप जिस चीज़ के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे वो चीज़ एकदम से सक्सेसफुली आपके पास आ जाए। एंड मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे जो दिख रही हैं, ये जो विक्ट्री है, ये जो सक्सेस है, इससे ही आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करने वाले हो। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा तरीके से हैप्पी होते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हुए दिख रहे हो। ये जो कार्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फीलिंग्स की बात करता है।
ओके तो इस टाइम पर आप गाना सुनते हुए दिख रहे हो, उसको इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, उस वाइब्स को कैच करते हुए दिख रहे हो. ओके नेचर इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हुआ दिख रहा है मुझे. एंड इस टाइम पर आप कहीं पर समुंदर या फिर झील के किनारे घूमने भी जा सकते हो, अकेला भी जा सकते हो, किसी को लेकर भी जा सकते हो डेफिनेटली. एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 10 of cups है. इस टाइम पर आपके लाइफ में हारमोनी क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे. कुछ लोगों के साथ हो सकता है कुछ टाइम पहले आपका नोक झोंक था या फिर आर्ग्यूमेंट चल रहा था, तो उनके साथ भी आपकी हारमोनी क्रिएट होता हुआ दिख रहा है. बॉन्डिंग कहीं ना कहीं आपके लाइफ में लोगों के साथ स्ट्रांग होती हुई दिख रही है, जिन लोगों के साथ आप चाहते हो. ओके एंड इस टाइम पर डेफिनेटली आपके द्वारा आपके फैमिली में कुछ गुड न्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं, आपके द्वारा आपके फैमिली में खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं. कहीं ना कहीं आप इस टाइम पर अपनी फैमिली में पॉजिटिविटी संचार करने में मदद करोगे. एंड यहाँ पर एक और चीज़ भी मुझे दिख रही है जो आपके लव लाइफ से रिलेटेड है. ओके इस टाइम पर एक रीयूनियन की चांस मुझे दिख रही है. हो सकता है ये इंसान आपका एक्स हो सकता है वो इंसान आपके बचपन का कोई फ्रेंड हो, तो उसके साथ आपका इस टाइम पर फिर से मुलाकात होती हुई दिख रही है या फिर से उनके साथ आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती हुई दिख रही है. कहीं ना कहीं इस टाइम पर आपका लव लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल गुजरता हुआ दिख रहा है. कुछ चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलता हुआ दिख रहा है आपके लव लाइफ के साइड से. ओके ये जो 10 दिख रही है आपको, ये कहीं ना कहीं आपको फुलफिलनेस महसूस करवाएगा. कुछ चीज़ों का एंड बहुत पहले ही हो चुका है एंड आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर भी चुके हो, तो इस टाइम पर आपके लव लाइफ में कुछ न्यू यानी कुछ न्यू बिगिनिंग आती हुई दिख रही है. एक न्यू जर्नी आप स्टार्ट करने वाले हो. अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए एक लव ऑफर आने की चांस भी मुझे दिख रही है. सो यहाँ पर अगस्त मंथ का जो पहला 15 दिन है वो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे गुजरते हुए दिख रहे हैं, ब्यूटीफुल गुजरते हुए दिख रहे हैं. तो इस टाइम पर कोई भी हेल्थ इश्यू यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही है. अगस्त मंथ के स्टार्टिंग में थोड़ा सा हेडेक आपको महसूस हो सकता है, सर में दर्द थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पर आप अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हो. बाकी और कुछ नहीं दिख रही है मुझे. एंड आफ्टर जो 15 दिन है यानी लास्ट जो 15 दिन है अगस्त मंथ के, देख लेते हैं तो यहाँ पर हैं 4 of swords. कुछ रियलाइजेशन मुझे दिख रही है. आपको पता है आपका लाइफ कैसा है एंड आपको ये भी पता है कि स्ट्रगल आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा. कहीं ना कहीं इस बात को आप महसूस करते हुए दिख रहे हो एंड इसी वजह से ही ना ये जो स्वर्ड्स दिख रही हैं, ये स्वर्ड्स के साथ ही आप बहुत ज़्यादा चैन से नींद लेते हुए दिख रहे हो. यानी इस चीज़ से आप यूज्ड टू होने वाले हो, इस चीज़ से आप इस टाइम पर घबराने नहीं वाले हो. आप इस टाइम पर कुछ ऐसा थॉट्स रखने वाले हो कि आपके फ्यूचर में जो भी होगा आप देख लोगे, आपके सामने जो भी स्ट्रगल आएगा उसको आप फेस कर लोगे. तो इस टाइम पर यानी प्रेजेंट लाइफ को आपको जीना है. आपके दिल में इस टाइम पर शांति रहेगा, मन में सुकून रहेगा. आपकी बहुत सारे काम इस टाइम पर अपने आप ही बनता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि इस टाइम पर आप पॉजिटिव थॉट्स रखने वाले हो. ओके आपका जो हार्ट है वो कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्ट भी करते हुए दिख रहे हो. कुछ लोगों का हार्ट ना लव लाइफ के साइड से कुछ ही दिनों पहले या फिर कुछ ही महीनों पहले ब्रेक हुआ है, तो उसके वजह से वो लोग अपने हार्ट के चारी ओर एक शील्ड सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पर, जिससे कोई भी इंसान आकर ईजिली आपके हार्ट को तोड़ ना पाए, आपको ईजिली हर्ट ना कर पाए. ओके सो यहाँ पर आप देख सकते हो किंग ऑफ वंड्स है. इस टाइम पर आप किंग की वाइब्स में जाते हुए दिख रहे हो. आपके अंदर इस टाइम पर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है. आप इस टाइम पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में रिस्क लेने वाले हो. यहाँ पर आप आँख से खेलते हुए दिख रहे हो. ओके आपके अंदर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पावर दिख रही है, बहुत ज़्यादा हिम्मत आती हुई दिख रही है. आप कुछ चीज़ों में बहुत टाइम से एक्शन लेने की कोशिश कर रहे थे, डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे थे, बट हो नहीं रहा था. वो चीज़ इस टाइम पर आप पॉसिबल करने वाले हो. आप देख सकते हो बॉटम ऑफ द डेक में मैंने यही आपको बताया था. ओके तो इस टाइम पर आपका कुछ रुका हुआ काम बनता हुआ दिख रहा है मुझे. अबंडेंस आती हुई दिख रही है. कुछ पैसा अगर आपको मिलने वाला था तो वो पैसा इस टाइम पर यानी वो रुका हुआ पैसा भी आपके पास आता हुआ दिख रहा है मुझे. ओके तो यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स. ओके सो बहुत ब्यूटीफुल एक कार्ड है. फर्स्ट जो मुझे यहाँ पर दिख रही है एक लव प्रपोजल आपके तरफ आती हुई दिख रही है. कोई एक इंसान ऐसा है जो बहुत टाइम से आपके बारे में सोच रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको प्यार भी करते हैं, बट दूर से आपको नहीं पता है कि उस इंसान के दिल में ऐसा कोई फीलिंग्स है आपको लेकर. एंड कोई एक इंसान इस टाइम पर आपसे माफ़ी भी मांगने वाला है. एंड बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रही है एंड जो लोग लव लाइफ से
कोसों दूर हैं उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज आ सकता है आपके पास, या फिर कुछ बिजनेस आइडियाज आ सकता है आपके पास, कुछ ब्लेसिंग्स आपके तरफ आता हुआ दिख रहा है, ये गॉड ब्लेसिंग्स भी हो सकता है। ओके, तो डेफिनेटली इस टाइम पर कुछ चीज़ें आप रिसीव करने वाले हो जो आपकी लाइफ को बहुत आगे तक ले जाएगा। यानी ओवरऑल इस टाइम पर, यानी बाकी 15 दिन जो आपके दिख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहे हैं। यहाँ पर कोई भी हेल्थ इशू मुझे नज़र नहीं आ रही है ओवरऑल। ओके, सो देख लेते हैं गाइडेंस अगस्त मंथ के लिए, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, देख लेते हैं। पॉजिटिव रहें। ओके, सो यहाँ पर है सरेंडर टू द डिवाइन। फाइन, आपको कुछ भी चीज़ को लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, हेडेक नहीं लेना है, डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दो। जिस भी चीज़ को लेकर सोच रहे हो डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, एंड खुद को भी डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दो। डिवाइन आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखे हैं, क्योंकि यूनिवर्सल चीज़ें बहुत पहले से ही सेट किया जाता है, बहुत बाद में जाकर आपको पता लगता है। ओके, सो आपके लिए बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, एंड अपकमिंग फुल मून यानी अगस्त मंथ में जो फुल मून आएगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है, अच्छा होने वाला है। कुछ ब्लेसिंग्स आपको इस टाइम पर मिल सकता है डिवाइन की तरफ से। एंड देख लेते हैं एक और कार्ड। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मेडिटेट एंड कंटेम्प्लेट, बहुत अच्छी बात है। इस टाइम पर आपके मन को, अपने दिमाग को आपको शांत रखना चाहिए, मेडिटेशन करो एंड फेस योर फियर्स। ये भी मैसेज आपको देना चाहते हैं डिवाइन। आप जिस भी चीज़ को देखकर डरते हो, जिस भी चीज़ को फेस करना नहीं चाहते हो, रियलिटी से अगर भाग रहे हो, तो उन सब चीज़ों को फेस करना स्टार्ट कर दो, एंड वो चीज़ें आप इस टाइम पर करने भी वाले हो। कि तो डेफिनेटली इस टाइम पर डिवाइन ने जो गाइड किया है आप उसके हिसाब से ही चलने वाले हो, तो आपका अगस्त मंथ ओवरऑल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव गुजरता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, सो बाय। Bye.